गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सीएसएस। तो आज अपन देखेंगे यहाँ पर सीएसएस क्या होती है और इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर सीएसएस। सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज टू डिजाइन एचटीएमएल टैग। मतलब मेनली इसका यूज होता है ना, वो होता है एचटीएमएल पेज को या एचटीएमएल पेज के अंदर जो टैग होते हैं ना, उस टैग को डिजाइन करना। तो अपन देखेंगे अभी यहाँ पर कि किस तरीके से अपन CSS का यूज करेंगे अपने HTML या JSP पेज के अंदर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के, मतलब तीन तरीके दिए गए हैं जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप HTML के अंदर CSS का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हमें, इनलाइन CSS। सेकंड दिया यहाँ पर इंटरनल CSS एंड थर्ड दिया यहाँ पर एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ पर इनलाइन CSS। तो देखें यहाँ पर इनलाइन CSS, इनलाइन CSS जो होती है ये अप्लाई होती है ओनली ऑन अ सिंगल एलिमेंट। ये किस पर अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट पर ये अप्लाई होती है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर इनलाइन CSS के यूज करके। तो वेब कंटेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक HTML पेज बनाएंगे। इसका नेम दिया मैंने यहाँ पर इंडेक्स। तो इंडेक्स अपन ने यहाँ पर एक HTML पेज बना लिया है। इसके अंदर अपन यहाँ पर एक एलिमेंट बनाएंगे हेडिंग का यूज करके। हेडिंग भी एक एलिमेंट ही होती है। तो इसका नेम दिया मैंने, मैसेज यहाँ पर मैसेज दिया मैंने हेलो भोपाल। तो क्या लिखा अपने यहाँ पर, हेलो भोपाल। इस पेज को अपन यहाँ पर रन करके देखेंगे। तो रन किया मैंने यहाँ पर, तो देखो ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, हेलो भोपाल। ये जो HTML पेज का आउटपुट आ रहा है ये सिंपल है। इसमें प्री डिफाइंड जो भी HTML के अंदर जो प्री डिफाइंड CSS होती है ना, वही CSS यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पर इसको ही क्या करना है, स्टाइलिश बनाना है। किसको, यहाँ पर इस H1 इस हेडिंग को मुझे स्टाइलिश बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज करेंगे। इनलाइन CSS का यूज अपन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर कैसे करेंगे, जैसे हमारा H1 एक हेडिंग होती है, हेडिंग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। तो अपन इस स्टाइल का यूज करेंगे। तो अपन ने कलर दिया इसको, मैंने इसको कलर दिया यहाँ पर येलो। तो देखो यहाँ पर सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आई थिंक क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। सेव किया, रिफ्रेश किया मैंने, कलर इसकी जो हिस्ट्री है ना, इस हिस्ट्री को मैं यहाँ से भी क्लियर करूँगा। आपके अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, आप CSS सही लिखते हो और अप्लाई नहीं हो पाती है, तो आप इस तरीके से इसकी हिस्ट्री को आप क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद फिर से अपने इसको रन करके देखेंगे। ओके सॉरी, मैंने यहाँ कलर का नेम ही प्रॉपर नहीं लिखा ना, येलो कलर। ओके सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी नहीं भी होता है तो आप ब्राउजर की हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हो। कलर कैसा आ रहा है यहाँ पर येलो। अब मुझे इसके कलर का चेंज करना होता है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो लिखेंगे अपने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिए मैंने यहाँ पर रेड दिया गया यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर H1 यहाँ पर लिखा मैंने भोपाल इज सिटी ऑफ ब्लैक। पेज को रिफ्रेश करके देखें, देखो यहीं पर ये CSS अप्लाई हो रही थी, यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं हो रही है ना, वो सिर्फ यहीं पर अप्लाई हो रही है। तो चलो इस पे मुझे CSS लगाना है यहाँ पर, तो अपन CSS लगा सकते हैं स्टाइल। इस बार अपन ने कलर दिया इसको यहाँ पर रेड कलर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पर येलो बना देते हैं, येलो बैकग्राउंड कलर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, इसका कलर ये आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पूरे के पूरे एलिमेंट को। तो इसके लिए अपन किसके यूज करेंगे, यहाँ पर मार्जिन का यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे अपन यहाँ पर मार्जिन। तो मार्जिन जो होती है ना, चारों तरफ से लगाई जाती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो अपन ने लिखा यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट कितना परसेंट देना है, मैंने 50% दिया यहाँ पर। पेज को रिफ्रेश करके देखें, तो देखो ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट था ना हमारा, ये वाला जो एलिमेंट था, ये पूरा का पूरा लेफ्ट शिफ्ट हो गया कितना, 50%। अब मुझे इसके कंटेंट, मतलब इसको पूरे के पूरे एलिमेंट्स को नहीं, इसके अंदर जो डेटा लिखा है ना अपन ने,
जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा लिखा है, इस डेटा को मुझे 50% लेफ्ट शिफ्ट कराना है। तो इसके लिए किसके यूज करेंगे अपन, यहाँ पर पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग कहाँ से करना है हमें, लेफ्ट साइड से, कितना 50%। तो 50% अपन ने यहाँ से पैडिंग अप्लाई कर दी इस पर। तो ये देखो इस पर क्या किया था अपन ने, मार्जिन लेफ्ट साइड से मार्जिन लगाया था कितना 50%, तो 50% शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे क्या लेगा अपने पैडिंग, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ऑब्जेक्ट की जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को अपन ने 50% लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है। क्लियर इतना। तो ये देखा था अपन ने यहाँ पर इंटरनल CSS, सॉरी इनलाइन CSS। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट CSS क्या बोलती है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारी यहाँ पर इंटरनल CSS। तो इंटरनल जो CSS होती है ना, ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर अप्लाई होती है। किस पर अप्लाई होती है, पर्टिकुलर पेज के लिए अप्लाई होती है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, ढेर सारे पेजेस हैं, सभी का व्यू, सभी के कंटेंट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप किसके यूज करोगे यहाँ पर, आप यूज करोगे इंटरनल CSS का। तो लेट्स वी स्टार्ट इंटरनल CSS। ओके, तो एक काम करते हैं, कंटेंट ये लिखा रहने देते हैं अपन यहाँ से, और जो भी CSS अपन ने यहाँ पर लगाई इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। हेलो भोपाल, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया क्योंकि अपन ने यहाँ पर किसका यूज किया, अभी यहाँ पर यूज किया था अपन ने इनलाइन CSS का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्सटर्नल CSS लगाना है। तो एक्सटर्नल CSS कहाँ पर करेंगे अपन, यहाँ पर हेड के अंदर, यहाँ पर एक और टैग होती है हेड टैग के अंदर, है ना, एक टैग होती है यहाँ पर, मतलब आप एक टैग लगा सकते हैं। कौन सी टैग है हमारे यहाँ पर, स्टाइल, है ना, इसका टाइप देंगे अपन टेक्स्ट ऑब्ले CSS। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इंटरनल CSS को डिफाइन करेंगे इसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। अब यहाँ पर CSS डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, CSS एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब सेलेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं अभी यहाँ पर CSS सेलेक्टर्स। तो CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वॉन्ट टू स्टाइल। तो CSS जो सिलेक्टर होते हैं किसको सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट, जिसको हमें क्या करना है, स्टाइलिश करना है। CSS सिलेक्टर्स सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स ID, क्लास टाइप एंड एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा। जो CSS सिलेक्टर्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट्स को, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, उसके नेम के अकॉर्डिंग कर देंगे, उसके ID के अकॉर्डिंग कर देंगे, टाइप के अकॉर्डिंग कर देंगे, एट्रीब्यूट्स XYZ इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पर कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड ग्रुप सिलेक्टर। तो 5 टाइप्स के यहाँ पर सिलेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट सिलेक्टर बनाया H1, और यहाँ पर दिया अपन ने कलर, कलर दिया रेड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिया अपने यहाँ पर येलो कलर दिया बैकग्राउंड। तो अपने किस सिलेक्टर के यूज किया यहाँ पर, एलिमेंट सिलेक्टर का। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता है, उसके नेम के अकॉर्डिंग करेगा, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग करेगा, आईडी के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, XYZ किसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है। तो अभी ये किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा इस एलिमेंट को, इस सिलेक्टर, मतलब इसका नाम भी क्या है, सिलेक्टर का नाम H1 है, और यहाँ पर जो अपन ने टैग ली है इसका नाम भी क्या है, H1 है। तो ये वाली जो CSS है इन दोनों पर ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए अपने पेज पर रिफ्रेश किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो गई है। क्लियर है यहाँ पर। अगर आपको कोई दूसरे के लिए लगाना है सेलेक्टर्स के लिए, तो आप उसके लिए लगा सकते हैं, जैसे P4 पैराग्राफ। तो पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ पर मुझे CSS अप्लाई करना है। पैराग्राफ लिखते अपन यहाँ पर, यहाँ पर लिखा अपने SISTec इज अ बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन सेंट्रल इंडिया। तो देखिए इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर कौन सी CSS अप्लाई हो रही है, यहाँ पर डिफॉल्ट CSS अप्लाई हो रही है। तो मुझे इस पर CSS अप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका कलर क्या दे दिया अपन ने, रेड दे दिया है, इसका भी बैकग्राउंड कलर अपन ने
येलो कलर दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये सीसेस ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई है। तो ये किसके यूज किया अपन ने, यहाँ पर इन सिलेक्टर्स का यूज किया है। तो यहाँ पर अपन ने देखो अलग अलग सिलेक्टर्स डिफाइन किए, जबकि सीएसएस एक जैसी है, किस पर, एच वन और पी पर। तो हम यहाँ पर एक ही सीएसएस को दो बार यहाँ पर क्या कर रहे, डिफाइन कर रहे हैं। तो जहां जहां पर भी मैं इस पी का यूज करूंगा, कहां पर इसे एचटीएमएल पेज पर, तो ये सीएसएस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। और जहां पर ही मैं इस एच वन का यूज करूंगा, तो वहां पर ये सीएसएस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए, एच वन के लिए और पैराग्राफ पी के लिए भी आपने एक ही जैसे सीएसएस डिफाइन की है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर इनको दो बार लिखना है, लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके अपन किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करोगे आप ग्रुप सिलेक्टर, तो इसको आप डिलीट कीजिए और यहाँ पर कॉमा लगाकर ये पैराग्राफ पी लिख दीजिए। तो जहां जहां पर आप एच वन और पी का यूज करोगे, वहां पर ये सीएसएस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो इसको रिफ्रेश करके देखें, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर किन किन सिलेक्टर्स के यूज करना सीख लिया है। यहाँ पर अपन ने एलिमेंट सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर का यूज करना अपन ने यहाँ पर सीख लिया है। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां पर मुझे इस एच वन का यूज करना है, मतलब जहां जहां पर मैं इस पेज में एच वन का यूज करूंगा, वहां पर ये सीएसएस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। जहां जहां पर मैं इस पी का यूज करूंगा, वहां पर ये सीएसएस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर अलग सीएसएस अप्लाई करूं, इसके लिए अलग सीएसएस अप्लाई करूं। तो इसके लिए किसके यूज करेंगे अपन यहाँ पर, आप तो या तो यहाँ पर आप इनलाइन सीएसएस के यूज कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ कौन सा, इंटरनल सीएसएस। तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आईडी सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो आईडी सिलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन यहाँ पर, हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आईडी बना ली, किस नाम से, एक्स नाम से। मैं एक और आईडी बना रहा हूँ यहाँ पर, उसका नाम दिया मैंने वाई, और उसके अंदर सीएसएस डिफाइन किए मैंने बैकग्राउंड कलर येलो। अब मुझे यहाँ पर ठीक है ना, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस सीएसएस को यहाँ पर कॉल करना है। तो अपन यहाँ पर किसके यूज करेंगे, इसका एक एट्रीब्यूट होता है एच वन के पास आईडी, तो अपन यहाँ पर इस आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इस एक्स नाम के सीएसएस को यहाँ पर कॉल करेंगे। ऐसे मैंने इस आईडी और यहाँ पर मैंने एक्स नाम के सीएसएस को कॉल कर लिया, आईडी मैंने यहाँ पर इस वाई नाम के सीएसएस को कॉल कर लिया है। तो ये देखो यहाँ पर ये रेड कलर आ रहा है, यहाँ पर भोपाल सिटी, भोपाल सिटी ऑफ ब्लैक कलर कैसा रहा है, रेड कलर आ रहा है, और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने किसका यूज किया, यहाँ पर अपन ने यूज किया आईडी सिलेक्टर का, ठीक है ना। लेकिन आप ये चाहते हैं यहाँ पर कि मैंने एक सीएसएस डिफाइन की यहाँ पर, मतलब दो आईडी डिफाइन कर दिए, दोनों में अलग अलग सीएसएस दिए, लेकिन मैं दोनों सीएसएस को एक साथ यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आईडी में क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ एक ही सीएसएस को एक बार में कॉल कर सकते हो। एक से ज्यादा सीएसएस को आपको अगर कॉल करना है एक ही सिलेक्ट, मतलब एक से ज्यादा सीएसएस को एक एलिमेंट पर अगर आपको कॉल करना है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन यहाँ पर, क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे। और क्लास सिलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फुल स्टॉप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पर एक क्लास बना ली एक्स और यहाँ पर क्लास बना ली वाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को कॉल कर सकता हूँ, एक्स और वाई दोनों सीएसएस को कॉल कर सकता हूँ। इन दोनों को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स वाई दोनों सीएसएस को यहाँ पर कॉल कर लिया है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स वाई अपन ने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है, इसलिए थोड़ा इस पर देखे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों सीएसएस कॉल हो रही है, यहाँ पर कोई भी सीएसएस कॉल नहीं हो रही है। तो अपन ने यहाँ पर इस क्लास क्लास, तो अपन ने यहाँ पर इन दोनों सीएसएस को कॉल कर लिया है। तो देखो यहाँ पर एक ही सीएसएस को कॉल किया आपने फोर कलर के लिए, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के लिए और फोर कलर के लिए, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और फोर कलर के लिए आपने कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से अपन ने किन किन एलिमेंट्स का यूज कर लिया, अपन किन किन सिलेक्टर्स का यूज कर लिया, अपन एलिमेंट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, अब बचे कौन सा हमारा, यूनिवर्सल
सिलेक्टर, कौन सा बच्चा यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर बचा हुआ है। तो जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ना, ये किसी भी जेएसपी या किसी भी एचटीएमएल पेज के अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स लगाए ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल होता है। कौन होता है यहाँ पर एप्लीकेबल? हमारा ये यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो आइए पहले इस पेज को रिफ्रेश करें। तो देखो यहाँ पर इनमें गैप भी आ रहा है, और देखो यहाँ से भी गैप है, ये भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, और यहाँ पर देखो इसके बीच में यहाँ से भी ये थोड़ा सा गैप है। तो मुझे इस पूरे के पूरे गैप को रिड्यूस कराना है, या पूरे के पूरे इस एचटीएमएल पेज के ऊपर मुझे सीएसएस अप्लाई करना है। तो इसके लिए किसके यूज करेंगे अपन यहाँ पर? यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर? इस स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लगाएं अपन इस पर मार्जिन, तो मार्जिन लगा दिया कितना अपन ने? 0%। पैडिंग लगा दी अपन ने यहाँ पर कितना परसेंट? 0%। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पैडिंग लेता हूँ, इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं लगाता हूँ, तो चारों तरफ से यहाँ पर मार्जिन और चारों तरफ से पैडिंग क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है इस पूरे के पूरे एचटीएमएल पेज पर। तो देखो अपन जैसे इसको रिफ्रेश किया, तो देखो ये प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गया, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब इनके कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कलर लिखा रेड। तब ये जो कलर है इस पूरे के पूरे पेज पर अप्लाई होगा। तो ये हो रहा है यहाँ पर, क्लियर है इतना? तो इस तरीके से अपन ने देखा यहाँ पर सिलेक्टर्स का यूज अपन किस तरीके से करते हैं, है ना, हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर। कौन कौन सिलेक्टर का यूज करना देख लिया अपन ने यहाँ पर? एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड ग्रुप सिलेक्टर। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस का यूज क्या होता है, तो अपन देखते अपन यहाँ पर। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, मतलब ढेर सारे पेजेस हैं, तो उन सारे के सारे पेजेस का जो व्यू है ना, उसको आपको एक जैसा रखना है, उसके स्टाइल को यूनिक रखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर? आप एक जैसे सीएसएस हर एक पेज पर तो डिफाइन नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, एक सिंगल फाइल बना लोगे, उस फाइल के अंदर वो सारी सीएसएस लिख दोगे, और उस सीएसएस सिंगल सीएसएस फाइल को सारे के सारे पेजेस के अंदर क्या कर दोगे, या सारे के सारे पेजेस के साथ में आप लिंक कर दोगे। तो देखिए अपन यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस बनाकर, तो इसको यहां से अपन हटा दें अभी, और इस स्टाइल टैग को भी हटा दें अपन यहां से। तो अपन क्या करेंगे, बैक कंटेंट जो प्रोजेक्ट मतलब जो फोल्डर है, इस फोल्डर के तो अपन एक और फोल्डर बना देंगे, उस फोल्डर का नाम दिया मैंने सीएसएस। अब इस फोल्डर पर आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और फिर हमें क्या बनाना है यहाँ पर, हमें बनाना है यहाँ पर सीएसएस फाइल। तो सीएसएस के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो अपन आएंगे अदर्स, अदर के अंदर वेब, वेब के अंदर ये सीएसएस फाइल, इसको सिलेक्ट करो, नेक्स्ट। तो सीएसएस का नाम दिया मैंने स्टाइल, जो फाइल बनाई उसका नाम दिया मैंने स्टाइल। उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो उसका एक्सटेंशन होगा यहाँ पर style.css। तो इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप के कोई भी टैग का यूज हमें नहीं करना है, सिर्फ अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलिमेंट का सॉरी सिलेक्टर का नाम लिखेंगे। तो अपन ने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर डिफाइन किया, और उस सिलेक्टर के अंदर अपन ने ये सीएसएस डिफाइन कर दिए। कौन से सीएसएस से हमारी यहाँ पर? यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया, मार्जिन पैडिंग अपन ने अप्लाई कर दिया है। अब जो हमारा करेंट जेएससी पेज सॉरी एचटीएमएल पेज है, इसको आप रन करके देख लीजिए। इसको रन किया अपन ने, तो देखो ये किसी फॉर्मेट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब इस सीएसएस को यहाँ पर लिंक करना है, ताकि इसकी स्टाइल चेंज हो जाए। तो कलर हो गया हमारे यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं अपन यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर दिया अपन ने यहाँ पर ग्रे कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया अपन ने यहाँ पर? ग्रे। चलो ठीक है, अब मुझे उस सीएसएस को यहाँ पर लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर लिंक नाम की टैग होती है HREF, उसके URL हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। CSS फोल्डर के अंदर style.css फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, इसका टाइप भी देना पड़ेगा हमें, किस टाइप की फाइल आपने यहाँ पर लिंक की है। तो लेकिन टेक्स्ट ऑफ CSS, इसका रिलेशनशिप या रिलीजिंग बतानी पड़ेगी हमें यहाँ पर, ये बताया मैंने स्टाइल सीट। तो देखें इस पेज को अपन रिफ्रेश करके एक बार, तो देखो वो सीएसएस यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो
तो इस तरीके से अपन ने देखा कि CSS क्या होती है, केसेस को डिफाइन करते हैं, कितने तरीके से अपन ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, बाकी की चीज़ें आप W3 स्कूल से बहुत अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमें भी हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर डिजाइनिंग पर आप मत लगाइए। पहले आप प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, कोडिंग पर फोकस कीजिए, जब कोडिंग को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे इसके बाद डिजाइनिंग पर आना, क्योंकि मार्केट में ढेर सारी बनी हुई टेम्पलेट्स हमें मिल जाती है, उन टेम्पलेट्स को ही आप आपके प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।